मित्रों आज आपके पसंदीदा चैनल पर लेकर आए हैं 31 अगस्त 2023 हजार तेईस में छपे हुए डॉक्टर सुनील एम जैन टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट इंदौर के लेख जिसमें डायबिटीज जो लगभग दस करोड़ लोग देश में इस पीड़ित हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं छह संकेत जो बताते हैं कि शरीर में शुगर का स्तर बिगड़ रहा है और यह असामान्य होने पर शरीर इस तरीके के संकेत देता है के बारे में विस्तृत जानकारी सर्वप्रथम हम जाने कि डायबिटीज है क्या देश में इस समय लगभग दस करोड़ लोग डायबिटिक और तेरह करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं आई और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जून 2023 में जारी शोध में यह खुलासा हुआ है शोध बताता है कि प्री डायबिटिक में से आधे अगले पाँच साल में डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं दरअसल कोशिकाएं है, एनर्जी के लिए शुगर पर ही निर्भर होती हैं लेकिन उन तक शुगर तभी पहुंच पाती है जब इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से काम कर रहा हो यदि जीवन शैली खराब हो तो इंसुलिन की क्षमता कम हो जाती है और पेनक्रियाज को अधिक काम करना पड़ता है जब पेनक्रियाज भी थकने लगता है तब शुगर बढ़ने लगती है शुगर के तय मात्रा से अधिक या कम होने पर दिल किडनी नर्व आँखें और दिमाग आदि पर असर पड़ता है दोनों ही स्थितियों में शरीर में कई लक्षण दिखते हैं और इन लक्षणों की जानकारी समय पर होना बेहद जरूरी है तो प्रथम लक्षण है मित्रों प्यास और अधिक यूरिन जब शरीर में शुगर की मात्रा अधिक होती है तो किडनी बढ़ी हुई मात्रा से शरीर को छुटकारा दिलाने की कोशिश करती है वह शुगर को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने लगती है इसके लिए शरीर को टिश्यू से अधिक पानी खींचना पड़ता है ऐसे में प्यास अधिक लगती है बार बार यूरिन आती है त्वचा और मुंह अधिक सूखते हैं दूसरा लक्षण है धुंधला दिखाई देना जब शुगर की मात्रा को कम करने के लिए शरीर टिश्यू से पानी अधिक अवशोषित करने लगता है तब आँखों के लेंस में फ्लूड का स्तर बदलने लगता है अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज एन आई डी डी के अनुसार इससे आँखों को फोकस करने में दिक्कत होती है धुंधला दिखने लगता है तीसरा संकेत है ब्रेन फॉग अथवा सिर दर्द सुगर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करती है जिससे याददाश्त में कमी स्पष्ट रूप से सोचने में दिक्कत और एकाग्रता प्रभावित होती है प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों ही स्टेज में भोजन के तीन से पाँच घंटे के बाद भी मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती जिससे कन्फ्यूजन सिरदर्द चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं चौथा गुण है बार बार संक्रमण शुगर की अधिक मात्रा शरीर में बैक्टीरिया फंगस और अन्य रोग जनकों के लिए वातावरण तैयार करती है इससे व्यक्ति को बार बार संक्रमण होता है खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट जननांगों में फंगल संक्रमण और फोड़े फुंसी जैसे संक्रमण अधिक होते हैं अधिक शुगर के कारण घाव भरने में भी समय ज्यादा लगता है यदि थकना या थकान का होना शुगर की अधिक मात्रा का अर्थ है इसका रक्त में ही घूमते रहना दरअसल इंसुलिन की कमी के कारण यह ऊर्जा में नहीं बदल पाती इसलिए कोशिकाओं को ज़रूरी ग्लूकोज और ऊर्जा नहीं मिलती जिससे थकान होती है इसके अलावा अधिक शूगर के कारण डिहाइड्रेशन व इम्फ्लामेशन से भी थकान बढ़ती है और अंतिम लक्षण है मित्रों वीपी और खराब नींद डायबिटीज होने के लगभग दस वर्ष पहले से रक्त नलिकाओं में बदलाव आने लगते हैं यह इंसुलिन रेजिडेंट की वजह से होता है ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट अनियमित होती है इससे वीपी की समस्या होने लगती है हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है शरीर में कंपन एवं पसीना आने लगता है नींद प्रभावित होने लगती है इस प्रकार ये जो छह संकेत डॉक्टर सुनील एम जैन साहब ने बताए हैं जिनके कारण शरीर में शुगर का स्तर बिगड़ रहा है और आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या डायबिटीज़ की बढ़ती हुई जा रही है अतः मित्रों इन लक्षणों से आप अपने आप को पहचाने और इस रोग के बारे में आपने जो धैर्यपूर्वक विस्तृत जानकारी को सुनने के लिए अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद